ये 35 साल की दुलारी है और ये हाथरस यूपी से है, वहां की रहने वाली है और वहीं का आधार कार्ड भी बना हुआ है वहां का आपका। हाँ। वोटर आईडी कार्ड भी हाथरस का है, यूपी का। और इनके पति हैं राजू, जो बेलदारी करते हैं दिल्ली के अंदर, और खोड़ा वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां पे 8-10 साल से रह रहे हो। हाँ। और इस दुलारी को जो है ट्यूमर, पेट में ट्यूमर है और उस पिछले 3 साल से दर्द रहा है। और अब ये 6 तारीख को जब लोकनायक हॉस्पिटल में आई अपना इलाज कराने के लिए, तो वहां के डॉक्टर ने इसको एमआरआई के लिए लिखा, लेकिन जब ये एमआरआई अपना कराने के लिए प्रोसेस किया इन्होंने, तो उन्होंने इनसे दिल्ली का आईडी वोटर कार्ड मांगा है। और क्योंकि वोटर आईडी कार्ड नहीं था इनके पास, इसलिए इनको बोला कि आप कहीं बाहर से करा लो, नहीं तो हॉस्पिटल में जो है आपका जो है एमआरआई 2 साल के बाद हो पाएगा, है ना, यही बात थी। हाँ। अब ये इतने गरीब है कि ना तो प्राइवेट में करा सकते हैं और हॉस्पिटल में अब 2 साल अगर इंतजार करेंगे तो पता नहीं ये और बहुत नुकसानदायक हो सकती है बीमारी। तो अभी मेरे पास आए हैं ये दुखी होकर, तो इनसे ही बात करते हैं। है? आप क्या काम करते हो राजू? बेलदारी। और आपको ये कितने दिन से परेशानी थी? 3 साल से दर्द था। तो आपने सोचा दिल्ली में इलाज कराने, और अब दिल्ली वालों ने कह दिया कि आपका अगर दिल्ली आईडी वोटर कार्ड है तो हम एमआरआई कर देंगे, नहीं तो हमारा हॉस्पिटल नहीं करेगा ये। है? तो क्या है ये, क्या हुआ है बताओ जरा, आप इनके रिश्तेदार हो। सर ये हमारे पास 6 तारीख को आए थे, उन्होंने बोला कि मतलब इस तरीके की बीमारी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इलाज नहीं करा सकते। तो मैंने कि ठीक है चलते हैं एक बार सरकारी हॉस्पिटल। मतलब आप दिल्ली में रहते हैं, आप इनके रिश्तेदार हैं, जब आपको पता लगा कि इस दुलारी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपने ये कहा कि दिल्ली आ जाओ, हम आपको जो है दिल्ली में इलाज करा देंगे, इसीलिए ही आ गई यहाँ पर गांव में थे। और आप जो है जब आप हॉस्पिटल में गए तो फिर क्या हुआ? सर हम गए 6 तारीख को हॉस्पिटल गए, तो एक प्रोसीजर होता है जैसे कि ओपीडी कार्ड वगैरह बनवाना, तो हमने बनवाया। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिए, तो काफी तो हॉस्पिटल में तुरंत के तुरंत हो गए। तो ये एमआरआई था उसके लिए हम गए, एक प्रोसीजर है वहाँ पे कि मतलब अगर वोटर आई डी कार्ड वगैरह होता है तो दिल्ली में ही में हो जाता है, सस्ते में हो जाता है, मतलब फ्री में ही हो जाता है। तो हम गए वहाँ पे, हमारे पास वोटर आई डी कार्ड नहीं था दिल्ली का, आधार कार्ड नहीं था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते। तो बोले कि अब जाके हॉस्पिटल वाले से जाके पता करो। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने दिखाया तो वो हमें 2 साल बाद की डेट दे देते, मतलब कम से कम ये प्रोसेस है कि 2 साल लग जाएंगे, डेट इतनी लंबी मिलेगी। तो 2 साल का अगर हम वेट करते तो शायद ये बीमारी और भी बढ़ जाती या फिर काफी हम बोल रहे थे। तो ये देखा आपने कि मतलब दिल्ली का सरकारी अस्पताल लोकनायक है, वो उसने कह दिया कि भाई आपके पास अगर दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड नहीं है, और क्योंकि इस दुलारी के पास जो है वो हाथरस का वोटर आईडी कार्ड है, हाथरस का ही इसके पास आधार कार्ड है, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है नहीं, इसलिए उन्होंने एमआरआई करने के लिए इसका मना कर दिया और कहा कि अगर तुम दूसरी लाइन में माना जाए तुम्हें तो तुम्हें 2 साल के बाद नंबर आएगा। अब मुझे बताइए कि एक गरीब इंसान है जिसका पति एक डेली वेज का बेलदार है और पता नहीं काम भी रोज मिलता है या नहीं मिलता, वो उसको उसका एमआरआई जो है अगर उसको 2 साल के बाद आप करोगे तो उसका तो ट्यूमर बहुत फैल सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब उन्होंने जीटीबी में इस तरीके से प्रतिबंध लगाया, उस ऑर्डर उस दिल्ली सरकार के आदेश को खत्म किया, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि अब रिटर्न ऑर्डर्स तो शायद नहीं है दिल्ली सरकार के, लेकिन अनरिटर्न ऑर्डर्स हैं अपने सारे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कि जो भी दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड नहीं है उनको जो है जो इलाज है वो मत करो। तो ये बहुत मतलब शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए कि एक देश का एक कैपिटल है जहां जो सारे देश को बिलोंग करता है और सारे देश के लोग इसको बिलोंग करते हैं, वहां पर इस तरीके की घटिया राजनीति
दिल्ली सरकार कर रही है,